我就把他拖出去拖地。मैं मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ। ये जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है यहाँ, जो त्राल के मुस्लिमों ने एक बार फिर एक प्रूव कर दिया कि जो कश्मीरियत की मिसाल हम दे रहे हैं, जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे यहाँ की मेजॉरिटी कम्युनिटी को, मुस्लिम कम्युनिटी को बदनाम करने की कोशिश की जाती है कि ये लोग जो है ये माइनॉरिटीज़ के खिलाफ है। आज त्राल के अवाम ने और त्राल के मुसलमानों ने, त्राल की मेजॉरिटी कम्युनिटी ने आज प्रूव कर दिया कि यहाँ पे अगर कोई कैंडिडेट जिसकी जिसकी क्रेडिबिलिटी है और वो अच्छे काम करना चाहता है, अच्छी सोच लेके आता है, तो हम उसको जिताएंगे। उसमें मजहब कोई क्राइटेरिया नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। और आज उससे सबसे बड़ी खुशी ये है कि इस त्राल के अंदर में जो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं यहाँ के मेजॉरिटी कम्युनिटी के वोट से जीतूं, और वैसा ही हुआ। हालांकि हमारी अपनी कम्युनिटी का वोट भी था, उन्होंने भी डाला, लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ वोट मुझे आया वो मुस्लिम कम्युनिटी का आया। और मेरा जो जितना भी DDC के इख्तियारात होंगे मेरे, और जितने भी मेरे पावर्स होंगे, उसके तहत जो भी यहाँ डेवलपमेंट, और जो भी जिसने वोट डाला उसके लिए भी वही हूँ, जिसने नहीं डाला उसके लिए भी सेम रहेगा। मैं यहाँ डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल नहीं रहेगी, लेकिन जो मेरे अपने लोग हैं जिन्होंने इसमें बहुत काम किया, उनके लिए मेरे दिल में जगह है, उनके लिए इज्जत है। लेकिन जो गवर्नमेंट की स्कीमें होंगी, जो काम होगा, वो सबके लिए होगा। और आने वाले वक्त में ये मैं एक जो एक डिस्क्रिप्शन एक बनी हुई थी यहाँ, एक नैरेटिव एक बना था कि जो पॉलिटिशियन होते हैं ये एक बार वोट लेते हैं, उसके बाद मुड़ के वापस नहीं आते। वो जो रिवायत चलती आई है, मैं उस रिवायत को भी तोड़ूंगा। मैं 5 साल यहीं त्राल में बैठूंगा, त्राल के लोगों की खिदमत करूंगा। जगह जगह जो मेरा भटनूर से रटसुन तक जितना भी एरिया है, नाउदल, नईबुग, अमीराबाद, जहां भी कहीं वोट पड़ा, कहीं नहीं पड़ा, लेकिन मैं हर जगह की डेवलपमेंट के लिए और त्राल के लोगों के हकूक के लिए लड़ता रहूंगा, चाहे मुझे उसके लिए कोई भी कुर्बानी देनी पड़े। मैं बिल्कुल कायम दायम अपने मिशन पे रहूंगा कि मुझे यहाँ खिदमत करनी है त्राल की। आप चूंकि पहली बार BDC का हुआ था, तब बाइकाट हुआ था हमारी पार्टियों की तरफ से, तो तब इनका एक BDC चेयरमैन वगैरह बना था, तो दिल्ली से मुबारकबादें दी गई थी और कम्युनलाइज करने की कोशिश की गई थी कि BJP को के ने त्राल की आवाम को मुबारकबाद दी थी कि इन्होंने जी BJP को जताया। लेकिन आज जो त्राल के आवाम ने एक जवाब दिया, उन्होंने दिखा दिया कि हम BJP को सपोर्ट नहीं करते। जितनी भी पॉलिसियां नेशनल लेवल पे यहाँ कश्मीर के खिलाफ बनाई जाती हैं, हम उनको सपोर्ट नहीं करते। ये जो आज का वोट था, इस वोट ने दिखा दिया, जो नेशनल मीडिया में जो एक फेक न्यूज़ें चलती थी कि कश्मीर का आवाम हमसे खुश है, वो हमारे हर फैसले के साथ खुश है, और खासकर त्राल को बार बार टारगेट किया जाता था, तो त्राल ने आज वो जवाब दे दिया।